इनका डॉगी, और ये वाला प्लॉट है कुछ ऐसा। भाई बहुत ही ठंडा मौसम है, थोड़ी थोड़ी फोग भी है अभी। इधर भी गेट है इसका और इधर भी है, अंदर जाके मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को डॉगी पे भरोसा है नहीं भाई, ये बाई चांस खुल गया तो। अब चलते हैं भाई वापस अंदर, मेरे को तो इनसे भी डर लगता है भाई, गए वैसे भी। तो ये है भाई यार की छत, इन्होंने अपने भाई छत पे लगा रखा है पूरा सोलर, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा ये सोलर लाइट्स वगैरह लगाई हुई है। इधर है भाई पूरी खेती, और भाई गांव का ना मज़ा ही अलग होता है सुबह सुबह का टाइम का, मतलब अलग मज़ा होता है भाई, कोई पोल्यूशन नहीं कुछ नहीं भाई। फॉग देख रहे हो, ये देखो भाई, ये दिख रहे हमारे सूरज देवता। बाय भाई, वो खड़े भाई और यार, तो चलो बाय बुआजी। आप आ गए हैं रेवाड़ी में, और रेवाड़ी पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, रोड से देख लो, स्ट्रीट लाइट से देख लो, सब कुछ बदल गया है यहाँ पे। तो भाई अब आ गए रेवाड़ी में, और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ जी का घर, जो कि अब है नहीं, ये है उनका घर। और अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं ये वाला छोटी वाली बुआ जी के घर पे। भाई दान के लिए क्या क्या, एक बार यूँ बताओ, हमारा जो दिन है लेके जाना दी। एक तो ये देनी है दान में, या ठीक है, और ये सारा, ये सारा, ये देख देख। अच्छा, और ये पंडित जी किसी को बताओ थी तो, ये पंडित की है या तेरी तुलसी की माला है, जो सिंदूर है मेहंदी से मंगा ली, ठीक है। ये गुड़ भी देना बोली, इसमें अच्छा इसमें गुड़ है बाबा की, ये है एक, ये है एक, इसमें लोई है, एक साड़ी अलग से मंगाई थी, हाँ साड़ी उसकी ऐसे सूट के साथ होगी ना, ये दो देनी थी, नहीं दो, अब दो ही देनी, दो ये थी, ठीक है ना, मैं दो, हाँ ठीक है। तो ये सारा तो देना ही है, इसके इसके अलावा क्या देना है बुआजी? एक कट्टा दलिया, एक कट्टा दलिया, और पैसे भी देने हैं? पैसा देना 11,000 जो कुछ लगे, 11,000 फिर पापा जान देते हैं, ठीक है। तो भाई ये है गेट इस मंदिर का, जो कि इसको बनाने में भाई 25,000,000 रुपए लगे थे, और बहुत ही शानदार गेट बनाया हुआ है, इसके पत्थर भी यहाँ से नहीं बाहर से मंगाए गए थे। सोचो ये कितना सा गेट है, मतलब दिख रहा होगा आपको, जैसे अंदाज़ा लगा सकते हो आप, और 25,000,000 रुपए लगे हैं इस गेट को बनाने में। तो भाई बहुत ही बड़ा मंदिर है, अंदर चल के मैं आपको पूरा दिखाता हूँ और पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे कैसे गाय दान होती है। अब जा रहे हैं हम सारे गोदान करने के लिए, क्योंकि पापा मम्मी स्पेशली आज इसी चीज़ के लिए आए थे, क्योंकि आज क्या है, आज देव उठनी ग्यास है, तो आज के दिन गोदान करना था हमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसीजर कि कैसे दान करते हैं। ये किस चीज का वो है, गेहूं है ना, दलिया मतलब बनवा के जो गाय खाते हैं। ये सब इधर ही देख रहे हैं कि क्या चल रहा है इधर, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि कोई इनको भी दान करे, तो आप लोग भी आइए और ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि इनको खाने के लिए मिल सके प्रॉपरली। और ये हमारी यहाँ पे अब पूजा स्टार्ट होगी, और सबसे ज़रूरी है कि भाई आप ये चीज़ ज़रूर करें, क्योंकि इनको खाने को मिल जाता है गाय दान के नाम पे, क्योंकि सीधी सी बात है, जो लोग हम यहाँ डोनेट करने आते हैं उसी से इनको खाना मिलता है। ये देखो छोटी छोटी, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके, जो अभी हम बाजरा और गुड़ लेके आए थे, तो वो दोनों भी हमने गाय को खिला दिए, क्योंकि यही गाय है जिसको हमें दान करना है। जैसे इसके गले में भी हमने गाय माता के बांध दिया, और गले में ये रस्सा भी बांध दिया, क्योंकि ये हम लाए थे अपने घर से। अब पूजा चलती है, पूजा के बाद फिर हम प्रॉपर गौ दान करेंगे, पहले इनको खाना खिलाना होता है हमें। बलराज
चलो भाई हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, चलो गुड गर्ल। तो भाई ये किया जाता है कि गाय माता की पूंछ पे ये धागा बांधा है और ऊपर से हमने कपड़ा पहनाया है उनको। जितने करते हो आपको भी छोड़ना है। बस बस ऐसे ऐसे कटी मेहंदी से पूरे शरीर पर, पहले तो सर पर लगा दो, तो तक तो लगी गई। दे दिया गुरुजी, दे दिया। चलो थोड़ थोड़ दे दो बार, बाकी बाद में काम आएगा। जब एक माथे दो तोड़ दे। ये भाई अभी हमने दिया है भैया को, एक इन भैया को, ये जो भी है गौदान के दौरान, और ये इन भैया को दिया है। और अभी बाकी चीजें हम देंगे फिर मंदिर में, क्योंकि मैं आपको अभी मैं भूल गया था दिखाना, इसलिए मैं अभी फिर आगे आपको आगे चल के दिखाता हूँ चीजें। आप इधर कर गए, वो पढ़ने वाला था, क्यों? क्योंकि उसके तो नाल बंद थी। और वो कम लगाना, कोई नहीं कम लगा दो बिल्कुल, जरा सा लगा दो बस। तो भाई अब चलते हैं अंदर, अंदर हवन हो रहा है, दिखाते हैं आपको अंदर। ये यहाँ पे भाई सारे सब किस किस की समाधि है छिटू, ये जितने भी महाराज थे आज तक मंदिर में, ये उन सब की समाधियाँ हैं यहाँ पे। मंदिर में एंटर, और एंटर करने के बाद मंदिर है कुछ ऐसा और बहुत ही बड़ा है। मैं एक बार आपको पूरा ड्रोन शॉट्स में भी दिखाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली फ़ोन से तो इतना कवर हो नहीं सकता, तो एक बार मैं आपको ड्रोन शॉट से भी दिखाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे भी डबल से ट्रिपल है। जाता है यहाँ पे, आप मन्नत मांग के अपना चोला चढ़ा सकते हैं। जो जब भी आपकी मन्नत पूरी हो उसके बाद आपको यहाँ पे चोला चढ़ाना पड़ता है। चोला होता है जो ये कपड़े चारों साइड। अब आगे का आपको दिखाता हूँ, आगे भी इसमें एक पेड़ है। और कितने साल पुराना बाजी पेड़ है, कितना, कई शताब्दी पुराना, मतलब फिर भी अंदाजन 200 साल 300 साल
200-300 साल पुराना ये पेड़ है। और इस पेड़ में है ना, जब भी आप कोई अपनी मन्नत मांगने आते हैं तो इसके चक्कर काट के चारों साइड इसका वो लेके और ये धागे बांधना पड़ता है। जब आपकी मन्नत पूरी जाए तो वो धागा खोलने आने के लिए पड़ता है। तो ये है भाई वो जगह, और ये मैंने आपको दिखाई थी जहाँ पे चोला चढ़ाया जाता है अपनी मन्नत के बाद। चोला बेसिकली एक कपड़ा होता है जो हमने इसको पहनाया हुआ है, तो ये आपको चढ़ाना पड़ता है जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है समाधि पे। भाई गाय दान कर दी है पंडित जी को, भी पैसे भी दे दिए, सब कुछ कर दिया है। अब चलने योग्य हो रही है बुआजी के घर पे तैयारी, क्योंकि सबको भूख लग रही है। सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, 11 बज चुके हैं। और एक बार फिर आपको इस मंदिर का गेट दिखा देता हूँ मैं। ओ भाई मैं आ गया हूँ एक बार दोबारा से बर्फ़ी वाले पे, इस बार NH8 वाले पे आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने दूसरे बर्फ़ी वाले से ली थी, थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कैसी है, क्योंकि घर पे लेके जानी है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं लेके गया था, मम्मी और पापा को दोनों को बहुत पसंद आई थी, और वो खड़ी गार गाड़ी मम्मी पापा भरी गाड़ी में है। और टेस्ट करके बताते हैं अभी कैसी है। भाई ये वाली और करो, तो बिल्कुल ये वाली छोटी कराना। ये मिठाई अपनी हो चुकी है पैक, और अब घर चलेंगे फटाफट, क्योंकि अभी मम्मी को शायद कुछ खिलाना भी है। ये हमारे भाई है। आ गए हम होटल हाईवे किंग पे, ये फर्स्ट टाइम है इस पे विजिट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ना मैं आया हूँ कभी, ना पापा आए कभी, ना मम्मी आई। मम्मी आप लोग भी नहीं आए ना इस पे पहले कभी। तो ये भाई इसका होटल हाईवे किंग का, जो कि NH8 पे पड़ता है। सामने हाईवे है, हाईवे से बहुत खींच के 100-150 मीटर पे मिलेगा आपको ये देखने के लिए। और बहुत सारी वैरायटीज भी है इसमें, मतलब आप ऑप्शंस, शॉपिंग ऑप्शंस भी है जो कि आपको दिख ही रहे होंगे। लोटो, निमेरो, जॉकी और रेड टेप, कैंटरविल, कॉब इधर भी हैं सारे। तो ऑप्शंस, वैरायटीज बहुत ज़्यादा हैं। अब देखते हैं अंदर का और टेस्ट भी करके बताते हैं कैसा है इसका खाना। अरे पनीर का गिविंग ऑप्शन भी है यहाँ तो, पला पला अरे सबसे बड़ा नहीं बोल रहा हूँ सबसे। तो ये भाई कुछ अंदर से ऐसा खाना, अभी हमने ऑर्डर कर दिया है, खाना आएगा अभी। पर ये अपना पीरिए पानी वानी इतने, और यहाँ पे बास्किन रॉबिन्स भी है और बरिस्ता भी है। और अंदर मतलब ऑप्शंस, वैरायटीज बहुत ज़्यादा, अंदर और भी ऑप्शंस हैं। पहले ये भाई मम्मी की स्वीट लस्सी। तो भाई फाइनली ये आई है हमारी थाली यहाँ की, और ये इसके साथ एक लच्छा पराठा और एक नान, और इसमें सब्जी है 1, 2, 3, 4, और एक स्वीट है, एक रायता है, राइस है, पापड़ है। तो अब करते हैं इसको टेस्ट, और फिर टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगा इसका टेस्ट। उधर मम्मी उसको खिलाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर वो खा नहीं रही है मम्मी के साथ। तो खाना पीना अपना हो गया है, पापा के सैंडल टूट गया तो पापा नंगे पैर ही चल रहे हैं। अभी हमने देखी थी पीछे, पापा कह रहे मैं इतनी महंगी लूँगा नहीं, हमने पूमा में देखी थी चप्पल 1200-1300 करीब की थी, पापा बोले मैं लूँगा नहीं। तो हम आ गए अंदर से, खाना बढ़िया था भाई, अच्छा था। थाली ली थी मेरे को तो मतलब रीजनेबल प्राइस की लगी थाली भी, और वैराइटीज़ काफ़ी थी इसलिए मेरे को रीजनेबल लगी, अदरवाइज़ तो रीजनेबल नहीं थी। तो अब चलेंगे सीधा घर और मिलेंगे आपसे घर पे। और अगर आपको हमारा आज वाला ब्लॉग पसंद आया तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के जाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब जरूर 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 करके जाएँ।